महाराष्ट्र में किसानों की समस्या खत्म होते हुए नहीं दिख रही। कभी भारी बारिश से फसलों का नुकसान तो कभी उपज का सही दाम नहीं मिलने से किसान परेशान। राज्य में पिछले 5 महीने से प्याज के दामों में गिरावट के चलते किसान संकट में थे। हालांकि अब उन्हें प्याज का दाम ठीक मिल रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अब सोयाबीन की कीमतों में भारी गिरावट आई है। राज्य में सोयाबीन नकदी फसल है, ऐसे में बाजार भाव कम होने से उत्पादक निराश हैं। खरीफ सीजन में सोयाबीन दूसरी सबसे बड़ी नकदी फसल है। मराठवाड़ा में सोयाबीन की सबसे ज्यादा खेती की जाती है। यहां के ज्यादातर किसान इसकी खेती पर ही निर्भर करते हैं। ऐसे में पहले बारिश से खेतों में तैयार फसल खराब हो जाना और अब बाजारों में कम रेट मिलने से किसानों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। बारिश से बची कुची सोयाबीन उपज किसान अब फिलहाल बेचना चाहते हैं, ताकि रबी सीजन की बुआई के लिए खाद और बीज खरीद सके। लेकिन बाजार में सोयाबीन का कम रेट मिलना किसानों के लिए चिंता का विषय है। वहीं अब तक मुआवजा भी किसानों को नहीं मिला है। आपको बता दें कि इस समय मंडियों में सोयाबीन का दाम 3,000 रुपये से लेकर 4,000 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा है, जबकि केंद्र सरकार ने इसका MSP 4,300 रुपये तय किया है। वहीं कुछ किसान अब सोयाबीन का स्टोरेज करने की भी सोच रहे हैं। किसानों का कहना है कि वर्तमान में कम भाव मिलने से किसान चिंतित है। इतने कम रेट मिलने से किसान अपनी लागत नहीं निकाल पाएंगे। किसानों का कहना है कि अगर यही हाल रहा तो हम कैसे रबी की बुआई कर पाएंगे। उधर अकोला की मंडी में 2 नवंबर को 1451 क्विंटल सोयाबीन की आवक देखने को मिली, जिसका न्यूनतम दाम 4,000 रुपये प्रति क्विंटल तो अधिकतम 4,100 रुपये प्रति क्विंटल रहा। जबकि जलाना मंडी में 180 क्विंटल सोयाबीन की आवक हुई और वहां भाव 4,000 रुपये के नीचे यानी 3,800 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम देखने को मिला तो अधिकतम 4,000 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं नागपुर की मंडी में भी भाव 4,000 के नीचे लुढ़क गया। 8,933 क्विंटल सोयाबीन की आवक हुई और भाव 3,911 रुपये न्यूनतम देखने को मिला तो अधिकतम 5,067 रुपये प्रति क्विंटल रहा। जबकि नासिक में 9,481 क्विंटल सोयाबीन की आवक हुई और न्यूनतम दाम 3,300 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम दाम 5,272 रुपये प्रति क्विंटल रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।